नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में, इस चारपाई में दोस्तों, मैं आपको हिंदी के कुछ अक्षर बनाकर दिखाऊंगा। हो सकता है कि दोस्तों थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो सभी अक्षर मैं बनाकर दिखाऊं। इसमें थोड़ी सपोर्ट आपको करनी होगी, तो वो हो सकता है कि इस चारपाई में मिल जाए, फिर आगे एक चारपाई और बनाऊँ उसमें सभी आपको अक्षर हिंदी में बनाकर। बहुत से व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर कमेंट आता है कि पूरे अक्षर दिखाइए, तो वो मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। वो सभी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें 67 रस्सी है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। 6 और 7 रस्सी हैं और इसमें 3 उठाई 3 दबाई 3 उठाई से मैंने शुरू किया गया, ये आपको बता देता हूँ। इसमें देखो यहाँ से मैंने किया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ 1 रस्सी उठाई थी, फिर 3 3 6 3 9 3 4 3 15 3 6 18 बाद में फिर यहाँ पे 1 दबाई, फिर यहाँ पे 5 उठा के फिर 1 दबाई, फिर 3 दबाई 3 उठाई 3 दबाई 3 उठाई 3 दबाई 3 उठाई, यहाँ पे फिर 1 दबाई, फिर आगे यहाँ पे 5 रस्सी उठाई है, फिर 3 दबाई 3 उठाई 3 दबाई 3 उठाई से सीक्वेंस ये बनाया दोस्तों। तो ये आपको दिख कह गए अक्षर होते हैं हमारे, कह घड़े कह गए, तो वो सभी अक्षर आपको बना कर दिखाऊँ। तो आप भी इसी प्रकार अपनी चारपाई में देखकर सहायता से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे, देखिए किस प्रकार से मैंने स्टार्ट कर दिया। एक अक्षर हमारा यहाँ पर बनेगा, एक अक्षर यहाँ पर बनेगा दोस्तों, यहाँ पर कह बनेगा, यहाँ पर गय बनेगा, इसी प्रकार से पूरा यहाँ छह सभी अक्षर आपको सिक्वेंस वाइज बना कर दिखाऊँगा दोस्तों। तो चलते हैं सीधे हम चारपाई पर, यहाँ पे 1 दबाकर आपको 3 रस्सी उठा लिए, फिर यहाँ पे 1 दबाइए, 1 दबाने के बाद में यहाँ पे 3 रस्सी उठाई। आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे 3 दबाई है और ये 3 रस्सी उठाइए, फिर 3 दबाई और यहाँ पे 3 रस्सी उठा लिए, फिर ये वापस से यहाँ पे 3 दबाई है और ये 3 रस्सी उठा लिए दोस्तों, फिर यहाँ पे 3 दबाई और 3 रस्सी उठाइए। यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा बनेगा, तो यहाँ पे ये 3 रस्सी आप दबा दीजिए और ये 3 रस्सी आप उठा लीजिए दोस्तों। ये चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे 3 दबाकर और ये 3 रस्सी आप उठा लीजिए। अब यहाँ पे आपको 5 दबाना है और 5 दबाने के बावजूद ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे 2 3 4 5 और 5 दबाने के बाद में ये 1 रस्सी उठा लेनी है। ये चीज़ आपको विशेष का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा कै बनेगा दोस्तों और फिर इसी प्रकार से आगे आपको ये 3 दबाकर 3 रस्सी उठाती रही, ये इसमें सीक्वेंस में आप चलती रही, कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करना ली। जब इंटरफेयर करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों किस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ कै बनेगा, यहाँ घ बनेगा, जो घ घड़ी वाला होता है, गय गाय वाला भी होता है, तो वो दोनों अक्षर आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल गए गाय वाला बनेगा, घे घड़ी वाला आगे हमारा है वो स्टार्ट हो गया है, तो दोनों चीज़ देख लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में बेल का बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। देखो गए गाय वाला गए बनाया ये, और कह कबूतर वाला खे यहाँ कह यहाँ बनेगा, फिर खे खरगोश वाला खे बनाएंगे, तो उन सभी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर कमेंट आता कि पूरे आप ये अल्लाह की, मैं आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बनाकर आपको दिखाए थे सभी अक्षर एक एक, तो वो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप बहुत से अक्षर मैंने लिखकर दिखाए हैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जय बनेगा, जय जहाज वाला और जय झंडा वाला अलग बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप 3 उठाकर 3 दबा दी है, आगे सिक्वेंस में आप 3 उठाकर 3 दबाती रहिए दोस्तों, और कोई अभी इंटरफेयर नहीं करना है। तो ये बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप बना पाएंगे। और यहाँ पे 3 दबाकर ये 3 रस्सी उठाइए। अब यहाँ पे क्या करना, 1 रस्सी ये दबा देना। और रही बात मात्रा की दोस्तों, वो मात्रा आपको बाद में मैं बताऊँगा कि मात्रा कैसे लगाई जाती है, उसके बारे में पर्टिकुलर्स मैं वीडियो बना दूँगा दोस्तों, तो आप वो आसानी से समझ सकें और देख पाएंगे दोस्तों। ये रस्सी कट जाएगी, तो यहाँ पर ये 3 रस्सी उठाकर आपको अब ये 1 रस्सी यहाँ पे दबा देना है, फिर ये आपको 3 रस्सी उठा देना। इसके साथ साथ लहर भी आपको जाएगी, 2 लहर भी मैंने बनाई है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे ये घय बनेगा हमारा, जो घय घड़ी वाला है, और यहाँ पे ये 5 रस्सी आप दबा दीजिए, फिर 3 उठाई 3 दबाई कर देंगे, यहाँ पर 3 उठाई 3 दबाई करनी है दोस्तों, यहाँ से 3 उठाई और 3 रस्सी दबा देंगे, ये कै बनेगा यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कै और खै का विशेष का ध्यान रखना दोस्तों। कैसे बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है,
मैं पूरा आपको सीक्वेंस के साथ ही बनाकर दिखाऊंगा, ताकि राइट एंगल में कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं। वैसे पर्टिकुलर से आप जाएंगे हमारे चैनल पे, थोड़ा विजिट करेंगे तो और भी आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए दोस्तों, चैनल पे जाकर पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, माई और ताना के बारे में, पगात के बारे में मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आर में, रैम में होता है, खै में होता है, कुछ अक्सर आपको अलग मिलेंगे, रस्सी थोड़ी कम या ज़्यादा होती है, तो उसका विशेष कर इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मात्राओं के लिए मैं पर्टिकुलर अलग से एक और भी चारपाई बनाकर दोस्तों आपको दिखा दूंगा, उसमें आपको केवल मात्रा ही मिलेंगे दोस्तों, वो आपको मात्रा का भी पता चल जाएगा, ऊपर छोड़ नीचे की मात्रा ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और वापस यहाँ पे दो रस्सी उठा लीजिए। अब दो रस्सी उठाने के बाद में दोस्तों आगे क्या करना है इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे तीन ये दबाने, तीन दबाने के बाद में यहाँ पे पांच रस्सी उठानी है दोस्तों, छह यहाँ पे आपको बनाना है, फिर आगे यहाँ पे तीन दबाई और तीन रस्सी उठा लेंगे, फिर यहाँ पे तीन दबाई और ये पांच रस्सी उठाएंगे। देखो यहाँ गए गए अलग गए बनेगा दोस्तों। फिर आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, तीन दबाई और ये तीन रस्सी उठा लीजिए। अब यहाँ पे तीन दबाकर आपको दोस्तों क्या करना है, एक रस्सी ये बीच वाली सेंटर वाली ये रस्सी थी हमने, ये उठा लेंगे, फिर तीन दबाई और तीन रस्सी उठा ली। इसी प्रकार आप आगे तीन दबाते और तीन रस्सी उठाते रहिए दोस्तों। तो ये देखो अब हमारी ये रस्सी हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे एक मैंने दबा दी है, एक दबाने के बाद में यहाँ पे ये तीन, ये दो अक्सर सबसे पहले आप देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और ये देखो यहाँ से पूरा एक बनेगा, फिर ये लंबी आप चाहें तो देखो एक दो तीन लाइन और ये चार लाइन, चार लाइन में हमारा पूरा कै बन जाएगा। तो ये विशेष का ध्यान रखना आपको बात सबसे पहले दोस्तों, इसमें देखो इस प्रकार से बनाए तो अलग बनेगा और ऐसे बनाओगे तो अलग बनेगा, तो वो थोड़ा इन रस्सियों का थोड़ा सा सिक्वेंस चेंज होता है। तो अभी फिलहाल आप इसी प्रकार से देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कै खे घे ढ छ झने ट ऐसी इस प्रकार से पूरी चार पाई मैं आपको बनाकर मैं दिखाऊँगा। तो ये खे देख लिया आप, इसी प्रकार से खे में भी आपको उतने ही एक दो तीन चार की ही जरूरत पड़ेगी दोस्तों, चार रस्सियों की, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई की, फिर ये घे आ गई, घे गाय फिर घे गड़ी अड़खा दी, यहाँ पे नीचे डोट भी मैंने लगाई, फिर चेस रखाएगा दोस्तों। तो इसमें भी आपको देखो कितनी एक दो तीन चार, इसमें भी आपको चार अक्षरों की जरूरत पड़ेगी। कुछ अक्षर हैं वो आपको चार रस्सी में बनेंगे, चार लाइनों में सॉरी, और कुछ है आपको तीन लाइनों में बन जाएंगे, तो वो आपको दोस्तों कंप्रोमाइज़ करना होगा, दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप उसी प्रकार से चार रस्सी में बनाना चाहते हैं तो चार रस्सी में बना लीजिए, यदि जो अक्सर तीन रस्सी का है तो उसको तीन में ही बनाइए दोस्तों। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार देखिए इसमें टोटल यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ रस्सी है, यहाँ से लगाई तो नौ हो जाएंगे, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये इस प्रकार से नौ भी रस्सी हो जाएंगे और आठ भी रस्सी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तो इस प्रकार से थोड़ा सा सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है, तभी आप पूरी चारपाई समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। फिर ये एड खा दिया गई, तो यहाँ पर इसमें डॉट भी मैंने ये लगाए दोस्तों, ये बात भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है, पूरा राइट एंगल में आपको बता के दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी अपनी चारपाई में बना सके। फिर ये छह चरखा बनाए, देखो इसका थोड़ा सा सीक्वेंस ये चेंज किया है, तो यहाँ से फिर यहाँ छह छत्ता बनेगा, फिर जय जग बनेगा, जय झंडा बनेगा, अनखादी बनेगी। तो ये सभी आपको अपनी चारपाई में बनाने हैं, बहुत ही सीक्वेंस से आराम से आप बना सकते हैं। इसमें भी देखो एक दो और तीन लाइन आएंगी, लेकिन इसमें क्या है एक दो तीन चार पाँच, इसमें पाँच लाइन आएंगी दोस्तों। तो कुछ अक्षरों में हमारे होती हैं कि तीन लाइन आती हैं, किसी में चार, किसी में पाँच अक्षर आती हैं। तो देखो इसमें एक दो तीन चार हो गया, लेकिन ये बड़ा है जय झंडा, तो इसमें पांच अक्षर आएंगे। यदि आप चाहते हैं तो दूसरा प्रकार के इस प्रकार से एक और है, भय बकरी भय भेड़ वाले की भय की तरह है, तो उस प्रकार में आप पर्टिकुलर आपको मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें पूरा एड्रेस हिंदी इंग्लिश में लिखा है, तो वहां से आप कॉन्टेक्ट करके और देख सकते हैं और आप भी बना सकते हैं दोस्तों। तो वो आपके ऊपर मैंने पूरी चारपाई में मेरा पूरा एड्रेस लिखा है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको एड्रेस वीडियो के नीचे अंडरलाइन चलती है, उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी यदि चारपाई आपको बनानी है, चारपाई में नाम लिखना, मोबाइल से नंबर लिखना, हाथी घोड़ा मोर ऊँट बनवाना, या हाथी लाल किला ताजमहल बनवाना,
तो वो सभी मैं पर्टिकुलर चारपाई बनाता हूँ दोस्तों, अलग अलग डिजाइंस की, और बोतल में चारपाई बनाता हूँ, डोको से मुड्डे के बारे में बनाता हूँ, तो वो सभी आप बना सकते हैं। तो ये सभी आपके ऊपर है दोस्तों, यदि वो बनवाना चाहते हैं तो ऑर्डर पे बनवा सकते हैं, या फिर आप अपनी मेहनत थोड़ा करेंगे तो आप भी ये बना सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी आपके ऊपर है, तो ये सभी पर्टिकुलर आप अक्सर देख लीजिए, बहुत ही आसानी से मैं जूम करके आप दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें दोस्तों। और पूरी चारपाई में आप भी इसी प्रकार से अपना कोई नाम है तो अक्सर मैंने आपको दिखा दिए हैं, कुछ अक्सर और भी आपको दिखा दूंगा मैं, तो उससे अपना नाम बना सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।